ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेलवे 1,40,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं का करेगा आयोजन। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का दिया गया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फर्जी डिग्री के आधार पर नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा 9 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा। भाजपा कृषि कानूनों के बारे में आम किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चलाएगी जागरूकता अभियान। राज्य भर में कृषि पंचायतों का होगा आयोजन। और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में, रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल अपने 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 15 दिसंबर से 1,40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देश भर के 2,44,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद एनटीपीसी श्रेणियों की भर्ती का काम 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक चलेगा। तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक होगी। परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसमें परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली की जानकारी होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। उम्मीदवारों के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार का तापमान मापा जाएगा और निर्धारित स्तर से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के दोबारा परीक्षा की सूचना उनके मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर कोविड 19 से संबंधित स्वघोषणा करनी होगी। इसके नहीं होने पर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोविड 19 से बचाव के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। प्रत्येक पाली के बाद परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी और अमान्य डिग्री के आधार पर नियोजित शिक्षकों की जांच और उन पर कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को 9 जनवरी तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में 5 वर्ष पूर्व ही रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक सरकार का रवैया असंतोषजनक रहा है, इसलिए यह आखिरी मौका है। गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो प्रदेश में 3,57,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रहा है। अब तक फर्जी डिग्री के आधार पर नियोजित 1,200 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जा चुका है। जांच एजेंसी को अब तक 25,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं मिले हैं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में बैंक, बिजली विभाग, श्रम विभाग, वाहन दुर्घटना क्लेम और बीएसएनएल के बिल से संबंधित मामलों के साथ साथ कई प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि विवादों को 4 श्रेणियों में बांटकर उसका समाधान निकालने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की हुई बैठक में ये फैसला किया गया। व्यक्तिगत भूमि विवाद, न्यायालय में चल रहे विवाद, विधि व्यवस्था बिगड़ने की श्रेणी वाले विवाद और सामान्य श्रेणी के विवाद 4 श्रेणी होंगे। वहीं बैठक में विवादों के निपटारे के लिए विभाग में डीआईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति पर भी सहमति बनी।
साथ ही सभी अंचलों में चार चार सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी थाना और चौकी के लिए जमीन की तलाश करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। श्री कुमार ने जमीन तलाश पूरी होने पर तत्काल भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्देश दिया। भाजपा कृषि सुधारों से संबंधित नए कानूनों के बारे में आम किसानों को जानकारी देने के लिए बिहार समेत अन्य राज्यों में व्यापक अभियान चलाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत जनसभा, सम्मेलन, किसान चौपाल, किसान पंचायत और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि किसान पंचायत की विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना के बख्तियारपुर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। कृषि सुधारों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने रबी फसल को लेकर चलाए जा रहे कृषि चौपाल को सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित कराने का निर्देश दिया है। राज्य के कृषि निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर किसान चौपाल के समय पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,34,940 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.30% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक 1,312 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,225 है। बदलते मौसम में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने लोगों से अधिक सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो, भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए, उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें री इन्फेक्शन होने के चांसेज हो रहे हैं, दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और तीसरा ठंड में की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है, बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत अति आवश्यक। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 28 रेलवे स्टेशनों पर 50 बहुउद्देशीय स्टॉल खोलने का निर्णय लिया है। मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने बताया कि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय स्टॉल खोलने की योजना बनाई गई है, जिससे ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सामान खरीदने के लिए स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़े। इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को दवा से लेकर खाने पीने और जरूरत के अन्य सामान एक ही स्टॉल पर मिल जाएंगे। श्री कुमार ने बताया कि जनकपुर रोड, जयनगर, झंझारपुर, सकरी, सीतामढ़ी, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, सुगौली और सहरसा समेत 28 स्टेशनों पर बहुउद्देशीय स्टॉल शुरू किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में कुहासे की स्थिति बनी हुई है। वहीं सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि 15 और 16 दिसंबर को बारिश होने के बाद कुहासे में कमी आएगी, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 1 से 7 सेंटीग्रेड ऊपर है। इसकी मुख्य वजह अरब सागर से मिलता नमी का प्रवाह है। वायुमंडल में पर्याप्त नमी की मात्रा के कारण सुबह में घना कोहरा छाया रहता है। सांख्यिक मॉडल के अनुसार 14-15 दिसंबर को राज्य के कई स्थानों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा की संभावना है, जिसके अगले 48 घंटे बाद आसमान साफ तथा न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल सकती है। इधर कुहासे के कारण दृश्यता कम होने से विमानों का देरी से परिचालन कल भी जारी रहा। पटना हवाई अड्डे से दिन के 11 बजे के बाद ही विमान परिचालन संभव हो सका। वहीं रेलवे ने कोहरे को देखते हुए मालदा टाउन, नई दिल्ली और अजमेर सियालदह समेत 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है।
वहीं राजेन्द्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत 8 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के दिन में कमी की गई है। कोहरे के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सुशील कुमार मोदी आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू उन्हें शपथ दिलाएंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा। राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए साल से यूपीआई के माध्यम से लेन देन महंगा हो जाएगा और थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है। डाकघर के बचत खातों में आज से कम 500 रूपये रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 118 रूपये आर्थिक दंड लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं को अनुचित व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए छात्रा क्लब का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यालयों के प्राचार्य को क्लब के गठन के लिए अधिकृत किया गया है। क्लब की प्रमुख विद्यालय की एक शिक्षिका होंगी। क्लब के माध्यम से छात्राओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें किशोरी स्वास्थ्य संबंधी चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि छात्राओं के साथ विद्यालय परिसर में अनुचित व्यवहार होने पर दो शिक्षिकाओं की कमिटी बनाकर पूरे मामले की 10 दिनों के अंदर जांच करवाने का भी निर्देश दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अंतर्गत जून महीने में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रोन्नत करने का फैसला किया है। इग्नू के पटना क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर को स्वाधार गृह कांड में न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। इसके लिए विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल 23 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र के खोरेथा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में सोनपुर थाने के दारोगा नंद किशोर सिंह की मौत हो गई। मृतक दारोगा रोहतास जिले के सलेमपुर गांव के रहने वाले थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। दैनिक जागरण लिखता है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है असामाजिक तत्व। दैनिक भास्कर की सुर्खी है लालू प्रसाद की बेल अर्जी पर सुनवाई टली जेल में मनेगा नया साल। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है 8 महीने से बंद कोचिंग संस्थान 9,30,000 लोगों की जिंदगी हुई बेपटरी। दैनिक आज ने लिखा है शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की तैयारी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जेपी नड्डा पर हमले को लेकर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे 1,40,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं का करेगा आयोजन। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का दिया गया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा 9 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा। भाजपा कृषि कानूनों के बारे में आम किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चलाएगी जागरूकता अभियान। राज्य भर में कृषि पंचायतों का होगा आयोजन। और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में, रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।